वेलकम बैक टू एबी 7000 ब्लॉग। तो गाइस जलद साथ में है, अगर आए बोल दे हाय एवरीवन। गाइस आज हम जा रहे हैं भाई गुड़गांव सोना, आपने देखा होगा दमदमा लेक, तो आज उसी लेक को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। वैसे तो मैं गया था वहाँ पे 11-12 साल पहले, बल्कि ज़्यादा ही हो गया होगा टाइम, 15 साल। तो अभी आज चल के देखते हैं दमदमा लेक के क्या हाल है, और थोड़ी सी गाँव की लाइफ भी है वो भी दिखाएंगे आपको। गए हमें ना देखो बीच में एक ग्राम पंचायत बहलपा आ चुकी है, आपका हार्दिक स्वागत करती है सरपंच अनीता। तो गांवों से गुजर के जाना पड़ता है भाई, निकल के ना गांव आते हैं बीच में। ये गेटवे द गेटवे ऑफ रिजॉर्ट भी है, देखो यहाँ पे रिजॉर्ट के बोर्ड लगे हुए हैं, और दमदमा भी यहाँ से बस 4 किलोमीटर रह रहा है। अभी 4 किलोमीटर बचा हुआ है, तो अभी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, फिर मिलते हैं यहाँ पे जाके देखते हैं। वैसे तो मुझे लगता नहीं है लेक में पानी होगा, बट फिर भी चलो देखते हैं, गर्मी है ना इसलिए। गांवों का मौसम देख के कैसा लगता है तुम्हें, सही बताना? जबरदस्त मौसम लगता है एकदम, कोई पोल्यूशन नहीं, कुछ भी नहीं, पीसफुल, कितनी शांति है। एसी चलाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। देखो अभी दिल्ली में एसी चल रहे होंगे लोगों के लिए, और यहाँ पे देखो ना सारा कैसे सराउंडिंग है, पहाड़ वहाड़ देखो पूरा। अभी अभी गाइस पहाड़ भी आने वाला है, आगे भी पहाड़ दिखाता हूँ आपको, अभी पहाड़ भी आने वाले हैं वो दिखाता हूँ आपको। देखो गाइस देखो पहाड़ भी आ चुके हैं भाई, बिल्कुल मतलब इतने नजदीक हमारी दिल्ली से पहाड़, और सूखा पहाड़ है ये देखो, जैसे उत्तराखंड में तो होते हैं वैसे पहाड़, हरे हरे बिल्कुल ऐसे ना, और ये हिमाचल में जाओगे कश्मीर जाओगे तो ग्रीन पहाड़ दिखेंगे, यहाँ पे ऐसे पहाड़ है। और पहाड़ तो पहाड़ है, क्यों चले भाई, पहाड़ तो पहाड़ ही है। ओ भाई वाह, देखो देखो गाइस बकरियां मिल गई, बकरियां उधर के बाबा के पास मिल के आता हूँ है ना। देखो गाइस गाइस देखो भेड़ बकरियां मिल गई, और ये देख के ना डर के भाग गई। देखो अभी दिखाता हूँ, भेड़ नहीं है इसमें, बकरी बकरी है सारी। गांवों में भाई ये सब चीज देखने के लिए मिलती है, ये देखो कितनी सारी है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ओ भाई गिनी नहीं जा रही। बाबा राम राम, ये डर गई उतरने के बाद। पर हम भगाएंगे थोड़ी, ये तो हमें तो बड़ी अच्छी लगा है ये। अच्छा? हमें तो कौन से गाँव से हो? अच्छा बैल पे से, हम सुल्तापुर से है जी। खारीन का पर हम बैस ले। तो भाई बाबा मिल गए, देखो बहल पे से हैं, और अभी हम दमदम में जा रहे हैं ऐसे घूमने, देखना वैसे। और ठीक हो बाबा? सब बढ़िया, चलो राम राम, आशीर्वाद बनाए रखो। तो गाइस देखो बाबा की है सारी बकरियां, और बड़ा मजा भाई, नेचर पूरा यहाँ पे खुला खुला नेचर है सारा। देखो जलज बकरी का दूध पिएगा? बकरी का दूध पी ले, पक्का मजाक नहीं कर रहा, डेंगू में बहुत काम आता है। गाइस ये देखो ये रोड वाइलर किसने भाई गांव में यूं ही खुला हुआ छुट रहा है यार, तो बहुत खतरनाक है वो, देखियो खुला हुआ बैन भी हो गया बेटा, इसे बांध ले अंदर तो बहुत खा जाएगा किसी को। देखो बैन है तो इंडिया में, इंडिया में बैन है। देखो गाइस ये कुत्ता और खुला हुआ छुट रखा भाई, डेंजर है, चल निकल 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 जरा निकल। और गाइस फसल दिखाता हूँ आपको, देखो खेत बिल्कुल भरे खड़े हैं, फसल कटने का टाइम ऐसे नजदीक आ चुका है ना। देखो ये देखो बिल्कुल बिल्कुल लहलहाते भाई खेत दिखाई दे रहे हैं, देखो दूर दूर तक, ये है भाई लाइफ। देखो अब ये सामने छोटा सा घर बन रहा है, देखो ये वाला क्या सुकून होगा भाई, इस घर में रहने में कितना सुकून होगा, और हम एक दिल्ली में पड़े पॉल्यूशन में, कितना ही कमा लो कुछ ही कर लो भाई, लेकिन यहाँ की लाइफ एक अलग ही है। क्यों जलज भाई यहाँ की लाइफ कैसी है, कितना अच्छा घर बन रहा है यार, है ना। चलो अभी लेक की भाई, देखो कुत्ते बंदर देखो कहाँ चढ़ गया, कुत्तों को देख के कुत्ते पीछे पड़े हुए हैं। देखो ये देखो भाई साहब, तू अपने शॉट बना, वो बंदर भाग गया ऊपर, देख वो देख वो चढ़ गया भाई ऊपर, ये देख ये सही ड्रामा कर रहे हैं। ए छेड़ो मत उसे, चलो चलो चलो। तो गाइस ये आ गया भाई दमदमा लेक का कट, और अभी हमें जाना है यहाँ से 1 किलोमीटर और अंदर, अभी चलते हैं लेक की तरफ। ये कोई अपनी मस्जिद छोड़ गया बस, ये ले देखियो ओपन। किसकी है, किसकी है, तुम्हारी है गाड़ी? तो रोड पे कौन छोड़ गया? अच्छा रोड पे बच्चे, चलो ठीक है चला लो जलज। मुझे लगता है कि लेक में पानी मिलेगा, पूछ क्यों? क्योंकि सारे पत्ते बताओ, क्योंकि पूरा पेड़ ही देख सूखा हुआ है, और देखो पूरा पेड़ ही सूखा हुआ है, तो कहाँ से पानी मिलेगा, मुझे लगता तो नहीं है। बाकी चलो देखते हैं, सामने आ गया है बोर्ड सरस दमदमा है, यहीं से तो एंट्री इसकी राइट।
तो ये है गाइस दमदमा लेक, हम पहुंच चुके हैं और ये देखो सारा टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स दमदमा। ये अंदर इसमें रेस्टोरेंट भी बना हुआ है और आगे देखोगे तो इसमें ना बैठने के लिए अपना क्या बोलते हैं रूम्स भी है, वैसे रुकने के लिए बैठने के लिए पीछे गार्डन बना हुआ है। तो अभी मैं चलता हूँ लेक की तरफ, आपको लेक दिखाता हूँ। देखो आज भी लोग आ रखे हैं, वीकेंड पे ज़्यादा लोग आते हैं। ये सारा यहाँ पे बैठे हुए जो ये सब रूम बने हुए हैं पीछे इसमें ना, तो अभी लेक चलते हैं गाइस, लेक दिखाता हूँ आपको। उधर से लिया, उधर से स्कूल का ग्रुप आ रखा है, देखो गाइस यहीं से दिखा दो ना, 20 रुपये पार्किंग के यहीं से कर दे। हैदराबाद तेलंगाना का भी अभी बन रहा है सब, हैदराबाद भी। और ये बताओ जयपुर किस राज्य में है? वेरी गुड, राजस्थान में है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हो जाएंगे बच्चे। मुंबई किस राज्य में है? मुंबई। बहुत बढ़िया। वैसे बच्चे आ रखे थे देखो, इनके यहाँ पे टेस्ट ले रहे हैं टीचर के कौन से राज्य में क्या है और सचिन तेंदुलकर किस खेल का क्या मतलब प्लेयर है, सारी चीज़ें। तो अभी हम चलते हैं लेक की तरफ। वैसे तो लेक दूर से दिख रही है, बहुत कम पानी नज़र आ रहा है, पर चलो देखते हैं। गलत पानी नज़र नहीं आ रहा, बहुत कम है। हाँ बहुत कम है, चलो। तो गाइस दमदमा लेक की जो अभी नई जो हालत है ना अभी करंट में, वो अपडेट ये है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो यहाँ पे क्रिकेट का ग्राउंड बन चुका है लेक में, पानी नहीं है बिल्कुल भी, सूखी पड़ी है। और उधर थोड़ा सा पानी दिख रहा है मुझे, और आगे यहाँ से दिखेगा, दिखाता हूँ आपको। देखो फिलहाल तो मुझे ऊँट मिल गया है भाई यहाँ पे, जो कि देखने के लिए बहुत ही कम मिलते हैं हमारे वहाँ। ये देखो अभी रेस्ट कर रहा है ना, चलो सो रहा है ना ये, आप ही बताओ भाई। राजू सही में राजू ना हूँ भाई, एक हमारा भी बंदा है ना राजू, कभी वो सोचे मजे ले रहे हैं। हाय राजू, सो रहा है भाई, राजू नाम है, राजू सो रहा है, आराम से होता है भाई, डेंजर है। ये देखो ये लेक बची है गाइस, खाली छोटी सी लेक क्या बची है, अब तो इसमें पानी भी वैसा ही है, पहले हुआ करती थी ये बहुत बड़ी लेक, पीछे तक थी जब हमें आए थे यहाँ पे 2010-11 की बात है, तब तो ये पूरा यहाँ तक हुआ करती थी भाई लेक सारी। अभी बिल्कुल सूख चुकी है और अभी ये बची है देखो, खाली इतना सा पार्ट बचा हुआ है। बारिश होगी तो थोड़ा बहुत पानी का जो लेवल है वो बढ़ेगा, बाकी अभी तो यही है देखो। हाँ ये है कि शाम को मौसम अच्छा होता है यहाँ पे, तो अपना आके थोड़ा सा वैसे फैमिली टाइम जो है लोग वो मतलब स्पेंड कर लेते हैं, 2-3 रिजॉर्ट भी बने हुए हैं यहाँ पे, तो अभी तो यही है। और मतलब कि घूमने के लिए हाँ दिल्ली के नियर है तो यही बची थी पहले, अब धीरे धीरे ये भी ख़त्म होती जा रही है। और इसी के पीछे ना जो सिंगर पंजाबी सिंगर है ना मिक्का का भी फार्म हाउस है गाइस, देखो इसके पीछे जो वहाँ पे वो मैं उंगली दिख रही है आपको, यहाँ से दिख नहीं पाएगा, उसके वहाँ पे फार्म हाउस है मिक्का का। ये देखो इनकी मौज है, सही बोट भी खड़ी है यहाँ पे, बोटिंग तो खैर हो ही जाती होगी छोटी सी में इसमें। तो जो बोट में बच्चे बैठे हैं भाई, इनसे मुलाकात करता हूँ मैं, ये बताएंगे लेक का क्या हाल है। हाय गाइस, हेलो, हाउ आर यू, क्या क्या नाम है आपका, एक एक करके बताओ। मयंक, वेरी नाइस। गोलू, वेरी नाइस नेम। आर्या, आर्यन, अच्छा आर्यन, क्या हाल है तुम तीनों के, बढ़िया। तो यार लेक का क्या हाल कर रखा तुमने? अच्छा बारिश पड़ेगी तो फिर वहाँ तक बढ़ जाती है ये अंदर, ये अब कौन चलवाएगा इसे? इसे आता है आज वो रेस्ट पे, आज रेस्ट पे अंकल आंटी आए भाई बोटिंग करने, लेकिन बोटिंग वाला जो बंदा वो अभी रेस्ट पे गया हुआ है, तो अभी तो पॉसिबल हो नहीं पाएगा। अंकल वहाँ पूछो क्या पता थोड़ी देर बाद आए वो, है ना, मना कर रहा था। मेरा चैनल है AB7000 व्लॉग्स, देखते हो व्लॉग तुम लोग, किस किस के देखते हो व्लॉग? सौरभ जोशी, अच्छा सौरभ जोशी का, और तुम भाई? UK07 राइडर, UK07। और आप कहाँ से आए हो जी? मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से? हाँ।
दिल्ली संडे को आना था आपको तो। मैं तो किसी काम से आ रखा था यहाँ पे, तो इसलिए आया संडे को आपको। आप इंस्टाग्राम यूट्यूब दोनों बनाता हूँ मैं। तो गाइस ये भाई देखो गोलू की साइकिल खड़ी हुई है। गोलू साइकिल चला लूं मैं तेरी? हाँ चला लो भाई आपकी तो। ले मैं चलाता हूँ थोड़ी सी, है ना। हाँ भाई मॉडिफाई है एक बहुत ही अच्छी हमारी साइकिल है यार। सही है साइकिल तो, पैडल मारते ही टॉप लग रही है। बताओ आवाज की तरह से बताओ। तो भाई चला रहे हैं आज हमारे भाई चला रहे हैं। हाँ भाई को सब्सक्राइब करें, एक से एक भाई को मेहनत लगानी पड़ती है। भाई आप कह रहे होगे ये हमारी साइकिल की देख बढ़िया चल रही है साइकिल। भाई के भाई जी यहाँ पर देखो बोट वोट लग रही है। यहाँ पर हमारे मंकू भाई है, यहाँ पर हमारे आर्यन भाई है। भाई बता गोलू की, भाई आपको चला के कैसा लगा? बहुत मजा आया साइकिल चला के गोलू की। मुझे गोलू पढ़ाई भी करनी है लेकिन साइकिल में। ठीक है प्रॉमिस कर, फिर मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा मिलूंगा तेरे को। ठीक है ये हमारा जय श्री राम राम का झंडा है। लाइक करे, सब्सक्राइब करे, कमेंट करे, लाइक करे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो भाई और कमेंट करो हर ब्लॉग पे। चलो चलो मिलते हैं फिर बच्चों दोबारा। ठीक है ओके, मजा आया मिलकर तुमसे। ठीक है तो गाइस अभी मैं भाई निकल रहा हूँ घर की तरफ। देखो मेरे पीछे देखो, जो पहले लेक हुआ करती थी आज उसमें गाय भैंस नहा रही है। चलो किसी की तो मौज आ रही है यहाँ पे। तो अभी मैं बच्चों से मिला, बड़ा मजा आया। बच्चे तो दिल के यार सच्चे ही होते हैं, अच्छे होते हैं, है ना। तो उनके साथ मिला और सब्सक्राइब भी किया उन्होंने चैनल को, तो उन्होंने सब्सक्राइब भी किया है। तो अभी भाई चलते हैं हम घर और ब्लॉग को एंड करते हैं। तो अभी तो ये हाल है लेक का, धीरे धीरे जब बारिश होगी तो बारिश में फिर ये वहाँ तक पानी पहुँच जाता है। पीछे देखो सारा पूरे में मतलब लेक बन जाती है जब बारिश आती है। तो बिना बारिश के तो सूखा पड़ता है और गर्मी इतनी पड़ती है ना, इसलिए तो हो नहीं पाता। तो अभी चलते हैं गाइस, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। व्लॉग कैसा लगा हो वो जरूर बता देना। लेक तो खराब ही लगी होगी जहाँ तक मुझे लग रहा है। बाय गाइस, लव यू।